हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड नाइस टू सी यू ऑल हियर। तो बच्चों, मैंने कल ही आपको बताया था कि आज हम 3 बजे को ह्यूमन इवोल्यूशन के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम, क्योंकि ये इवोल्यूशन चैप्टर हमारा रिसेंटली फिनिश हुआ है एंड वी हैव स्टार्टेड विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सो हर एक चैप्टर फिनिश होने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज फाइनली आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन है एंड दैट इज अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, राइट? तो हमने ऑलरेडी इवोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए थे। 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने पूरे इवोल्यूशन से कर लिए थे एक्सेप्ट ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट? ह्यूमन इवोल्यूशन के क्वेश्चन बचे हुए थे, तो हमने रिसेंटली ये टॉपिक भी पढ़ लिया था जिसका मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिया था, राइट गाइस? सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आइए हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन को। यू कैन ऑल्सो आंसर इन द चैट बॉक्स, बच्चों आप कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हो। एंड इफ आई सी कि आपका आंसर सही है, आई एम गोना टेक योर नेम। सो बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन टुडे, लेट मी वेलकम यू ऑल टू नीड वॉया चैनल एंड आई एम स्वागता मुखर्जी। और बच्चों, मेरा प्लस कोर्सेस भी शुरू हो चुका है, ये आपके 15th ऑफ अक्टूबर से चल रहा है। दिस इज अ कैप्स्यूल कोर्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। तो 15th अक्टूबर से ये शुरू हुआ है बच्चों, 29th अक्टूबर तक। सिर्फ थ्योरी क्लासेस ही नहीं, इस क्लास में हम लोग क्विज भी करेंगे प्लस कोर्स में एंड डाउट सेशंस भी इंक्लूडेड है, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड ये पूरे के पूरे टाइम पीरियड में 15th to 29th अक्टूबर। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले ले, क्योंकि प्राइस हाइक भी होने वाला है 24th अक्टूबर तक। कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली है, इनफैक्ट बहुत सारे एडवांटेजेस है अनकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लासेस करने का। वॉट आर दोज एडवांटेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन यू नो बी टॉट बाय एनी ऑफ द एजुकेटर। आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो और आप इंटरैक्ट कर सकते हो वहाँ पे अपने एजुकेटर से, राइट? आप किसी भी अपने पसंदीदा एजुकेटर से पढ़ सकते हो एंड लाइव पोल्स, बच्चों लाइव पोल्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? लाइव पोल्स आर नथिंग बट आपके क्वेश्चन, जैसे आपकी MCQs होती है नीट में, वैसे ही MCQs होंगी, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही आंसर, कितना फास्ट आपने आंसर किया और सही आंसर किया है कि नहीं, इस बेसिस पे लीडर बोर्ड पे भी आपका रैंक आ जाता है एंड यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर नॉलेज। आप अपना ट्रैक रख सकते हो अपने परफॉर्मेंस का। टेस्ट सीरीज भी होते हैं अलग अलग, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अनकैडमी लर्निंग ऐप इज नथिंग बट द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। सो गाइज, आपको प्लस पे आने के लिए या फिर अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री क्लासेस है उसको भी अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अनकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे भी आप ये ऐप वैसे भी डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि जो क्विजेस होती है आपकी वो भी ऐप के थ्रू ही होता है। जैसे आपका ट्यूजडे क्विज होने वाला है, ठीक है गाइज? सो प्लस पे क्लिक करना है आपको, नीट यूजी पे क्लिक करना है, देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ ईदर 1 ईयर और 2 ईयर। जैसे 1 ईयर का वुड बी 27,000 एंड 2 ईयर्स वुड बी 30,400। अगर आप टारगेट 2021 में अपीयर करने वाले हो तो यू कैन गो फॉर दिस 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, है ना? और आप अगर 2 ईयर्स का चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस 32,400 2 ईयर्स। ओके जी, हेलो प्रियांश, हेलो अरुण, हेलो सुरेंद्र, हेलो अचानक, नाइस टू सी यू ऑल हियर। गुड आफ्टरनून राम प्रसाद, नाइस टू सी यू ऑल हियर बच्चों। और मैं अभी शुरू करने वाली हूँ हमारा आज का क्वेश्चन है सेशन, 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन, और आपको आंसर देना है, राइट गाइज? तो जैसे कि मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रही थी, सो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, अगर आप टोटल अमाउंट नहीं देना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट सम डिस्काउंट, यू कैन टेक अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड माई नेम SWAGATA स्वागता। इतना कुछ लाखों रुपए आपको नहीं देना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू थाउजेंड रुपीज और आपको क्वालिटी एजुकेशन यहीं पे मिल जाएगी। So guys, let's start with our human evolution 30 questions. I hope you will be answering in the chat box. ठीक है guys, तो शुरू करें। Should we start then with our human evolution 30 most expected question? What do you say? Give me a thumbs up if you want me to start as soon as possible. Okay, perfect. तो राम प्रसाद, अचानक, प्रियांश, सुरेंद्र, अरुण यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आते रहेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
ओके राम प्रसाद, ओके हाँ जी, ओके यू आर दैट पर्सन, आई रिमेम्बर, ओके बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैंने पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको दिया था, आई होप आपने वो पीडीएफ अप डाउनलोड कर लिया होगा। हर एक लेक्चर के बाद पीडीएफ अपलोड हो जाता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ओके हेलो सुकुमार, नाइस टू सी यू हियर। तो बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दे दो, कम ऑन फास्ट फास्ट। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट टाइम शोड बाइपेडल मूवमेंट। एंसेस्टर ऑफ मैन है और पहली बार उसने बाइपेडल मूवमेंट शो किया था। सो क्रोमैग्नन मैन, हाँ वो हमारा एंसेस्टर है, बट क्रोमैग्नन मैन वॉज नॉट द फर्स्ट वन हु शोड बाइपेडल लोकोमोशन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यस ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉज द फर्स्ट वन जो सबसे पहले आपकी बाइपेडल लोकोमोशन शो किया था, एंड दे गेव राइज टू द ह्यूमन, राइट, दे गेव राइज टू होमो जीनस, राइट, जो आपकी होमो वाली जीनस है, चाहे वो होमो हैबिलिस हो, होमो इरेक्टस हो या होमो सेपियंस हो, इन तीनों स्पीशीज को ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही सबसे पहले, यू नो, दे गेव राइज टू ऑल द होमो जीनसेस। दैट्स वाई वी से ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द एंसेस्टर फॉर योर होमो सेपियंस और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, और यही एनिमल थे, यही आपके यू नो एंसेस्टर थे जो सबसे पहले बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब दो पैरों से चलने वाला, सबसे पहले यही थे, राइट गाइस। सो वन का बी आंसर होगा, राम प्रसाद हैज आंसर्ड करेक्टली, बाकी लोगों को भी आंसर देना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं, लेट्स सी व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। होमो इरेक्टस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ, होमो इरेक्टस जो है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था, होमो इरेक्टस के तीन स्पीशीज थे। One was Homo erectus erectus, right? Homo erectus erectus किसका scientific name था? Java man का, correct? Java man. और Homo erectus pekinensis, ठीक है? मैं यहाँ फिर से एक और बार लिख देती हूँ, Homo erectus pekinensis. Come on guys, इसका भी answer दीजिए। राम प्रसाद ने answer दे दिया इसका, very nice. Pekinensis, that is nothing but your pecking man. ये pecking man का scientific name था. And the third one is your Homo erectus heidelbergensis, जो हाइडलबर्ग मैन थे, Homo erectus heidelbergensis, ठीक है जी। तो ये आपका हाइडलबर्ग मैन का नाम है, कॉमन साइंटिफिक नेम है। सो यस, यहाँ पे जावा मैन एंड पेकिंग मैन दोनों दिया हुआ है, एंड राहुल ने सही जवाब दिया है, राम प्रसाद ने भी पहले ही सही जवाब दे दिया था, वेरी नाइस गाइस, बट आई नीड मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन। Should we move on to the next question? Third question हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, let's see what would be the right answer. पूछा क्या है, the probable direct ancestor of modern man. Modern man कौन है? Homo sapiens sapiens, ठीक है? Homo sapiens के बहुत सारे subspecies है, लेकिन Homo sapiens sapiens modern man है. We are all Homo sapiens sapiens, correct? ये आपके modern man है. So who is the direct ancestor of modern man? किससे आया है ये? They have evolved from Homo sapiens fossilis. Homo sapiens fossilis is nothing but your Cro-Magnon man का scientific name है ये. Right? Homo sapiens fossilis is nothing but your Cro-Magnon man. So C would be the right answer. Hello Rehan. अभी तक मुझे answer मिला नहीं है third का. Come on guys, fast fast answer करना है हम सबको. थर्ड क्वेश्चन का आंसर वुड बी क्रोमैग्नन मैन, थर्ड वाला ऑप्शन। उनका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस फॉसिलिस। इसी से आया है आपका जो मॉडर्न मैन है, जो हम लोग हैं, करेक्ट जी। फोर्थ क्वेश्चन पे हम मूव करने वाले हैं। जितेश ने आंसर दे दिया था पिछले वाले क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। द फर्स्ट प्रोबेबल प्री हिस्टोरिक मैन, तो मैंने आपको बताया था बिफोर एप मैन एंड प्री हिस्टोरिक मैन, ये तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक मैन आपके तीन अलग अलग थे। वन वॉज नथिंग बट योर होमो हैबिलिस, सबसे पहले कौन आया था? होमो हैबिलिस, जो हैंडी मैन हम जिसको बोलते हैं बच्चों, राइट। दूसरा कौन था? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस किससे आया? होमो हैबिलिस से आया, राइट। होमो हैबिलिस गेव राइज टू होमो इरेक्टस। फिर बाद में क्या आया? जो तीसरा एंड सबसे लास्ट आपका प्री हिस्टोरिक मैन है, दैट इज होमो सेपियंस, करेक्ट। तो सबसे पहले कौन आया था? होमो हैबिलिस। सो बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है जी। यस राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है, फोर्थ का ऑप्शन वुड बी बी। कम ऑन गाइस, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, ठीक है गाइस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर।
ऑन विच कॉन्टिनेंट मैक्सिमम फॉसिल्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन हैव बीन फाउंड, सबसे ज्यादा फॉसिल्स मैन का, प्रीहिस्टोरिक मैन का कहां मिला था, विच कॉन्टिनेंट? सो वी ऑल नो अफ्रीका, अफ्रीका को हम बोलते हैं द एक्चुअल प्लेस ऑफ पैलियंटोलॉजी. तो अफ्रीका में आपको मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स मिले थे. सो इट वुड बी ए. यस, सम्यक ने सही जवाब दिया है, रामप्रसाद ने भी सही जवाब दिया है. सो फिफ्थ का आंसर वुड बी ए. वेरी नाइस गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. द प्रॉपर बरियल, कम ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है पहले भी. द प्रॉपर बरियल ऑफ डेड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड विथ विच प्रीहिस्टोरिक मैन, राइट? कौन सी प्रीहिस्टोरिक मैन ने सबसे पहले अपने यू नो रिलेटिव या अपने डेड जो कंपेनियंस होते थे उनको दफनाते थे? सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर यहाँ पे. सबसे पहले नियंदरथल मैन में हमने ये देखा था. सो यस, बी वुड बी द राइट आंसर. ये नियंदरथल मैन की यू नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर था. यस, रेहान, जितेश एंड सम्यक एंड राम प्रसाद ने सही जवाब दे दिया है. दिस वुड बी नियंदरथल मैन. वेरी नाइस गाइस. Moving on to the next question, seventh question. Cranial capacity of Cro-Magnon man was, Cro-Magnon man ka sabse zyada cranial capacity tha. It was nothing but how much, kitna hona chahiye? 650 humne padha tha. So almost around 600 cc, right? 600 cc, yaha pe cc stands for cubic centimeter. Cubic centimeter is the cranial capacity of Cro-Magnon man. ठीक है, सेंटीमीटर. फिर वो क्रेनियल का साइज कम हो गया जब क्रोमैग्नन मैन से मॉडर्न मैन आया. मतलब हमारा कितना है, 1450 सीसी, करेक्ट? कम हो गया क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन साइज कैपेसिटी, थोड़ा सा कम हो गया हमारे में. यस गाइस, सेवन, इट वुड बी 1600 सीसी, नॉट सी. डी वुड बी द राइट आंसर. क्रोमैग्नन मैन पूछा है. ये वाला जो है ये आपकी मॉडर्न मैन का है, ठीक है? ये मॉडर्न मैन जो है उनका, हमारा यूजुअली 100 to 1450 cc होता है, करेक्ट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो, सेवन का डी वुड बी द आंसर. रेहान, सम्यक, जितेश एंड रामप्रसाद. रामप्रसाद ने सही जवाब दिया था एंड जितेश ने भी सही जवाब दिया था. बहुत बढ़िया. एट क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. फायर फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय, किसने यूज किया था सबसे पहले? फायर वॉज यूज बाय नथिंग बट योर होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस ने सबसे पहले फायर को यूज करना, फायर का इस्तेमाल सीखा था और वो फूड को, रॉ फूड को वो कुक करके खाते थे, राइट? तो वो दैट वॉज नथिंग बट जावा मैन. पता कैसे चला कि वो कुक करके खाते थे? बिकॉज उनकी टीथ का जो शार्पनेस था वो कम हो गया था, राइट? होमो हैबिलिस की टीथ की शार्पनेस ज्यादा थी क्योंकि वो रॉ फूड खाते थे तो टियरिंग में हेल्प करता था, राइट? फिर बाद में जावा मैन के फॉसिल्स में क्या देखा उन्होंने कि टीथ की शार्पनेस थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ा सा ब्लंट होना शुरू हो गया, ब्यूनोडोंट हम जिसको बोलते हैं. सो इरेक्टस में, होमो इरेक्टस में हमने सबसे पहले फायर का यूज करना उन्होंने सीखा था. सो दैट वुड बी द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. नहीं जितेश, नियंदरथल मैन का इट वॉज अराउंड 1400 सीसी. नियंदरथल मैन का क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी. सो एट का सही आंसर दे दिया है सम्यक ने, राम प्रसाद ने. वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नाइन्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. कलर्ड रॉक पेंटिंग्स वेर फर्स्ट डन बाय, इसको हम केव पेंटिंग या केव मैन जो थे वो केव में पेंटिंग्स करते थे. मतलब ये सिविलाइजेशन का एक प्रॉपर सा प्रूफ है आपके पास कि प्रॉपर सिविलाइजेशन हमने किस में देखा था बच्चों? इट वॉज नथिंग बट सीन इन योर क्रोमैग्नन मैन. सबसे पहले क्रोमैग्नन मैन ने केव पेंटिंग्स शुरू की थी. मतलब सिविलाइजेशन एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें क्रोमैग्नन मैन में देखा गया था, करेक्ट गाइस? ओके, नाइन्थ का आंसर राम प्रसाद ने सही दिया है, सम्यक जैन ने भी सही दिया है. इट वॉज क्रोमैग्नन मैन. नेक्स्ट, अच्छा, परी केजरीवाल ने भी सही जवाब दिया. वेरी नाइस गाइस. मूविंग ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन बच्चों. विच प्राइमेट इज क्लोजेस्ट टू मैन रिगार्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कौन सा प्राइमेट सबसे क्लोजेस्ट है मैन से? तो हमने प्राइमेट पे ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन. तो यहाँ पे सारे के सारे आपके एप्स ही दिए हुए हैं. सबसे क्लोजेस्ट एप कौन सा है? चिंपैंजीज. व्हाट इज द रीजन? यूजुअली हम क्या देखते हैं चिंपैंजीज में, देयर
क्रोमोसोम नंबर 6 एंड 3 ऑफ चिंपैंजी एंड मैन इट मैचेस. उसके अलावा चिंपैंजीज और मैन का जो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है वो 100% सिमिलर है, करेक्ट. एंड गोरिलास का क्या होता है, सिर्फ 99% सिमिलर है. दैट्स व्हाई चिंपैंजी इज मच मोर क्लोजर टू ह्यूमन देन योर गोरिलास. सो चिंपैंजी वुड बी द राइट आंसर. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट. रामप्रसाद, जितेश ने सही जवाब दिया है, सम्यक ने सही जवाब दिया है, परी केजरीवाल ने भी सही जवाब दिया है. सो आई होप यू गाइस गॉट दिस कि क्यों चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू ह्यूमन. देयर आर मेनी रीजन. वन इज हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सिमिलर है चिंपैंजी और मैन में, गोरिलास का 99% सिमिलर है. सेकेंड थिंग इज नथिंग बट उनकी ए बी ब्लड ग्रुप सीरीज है, हमारा भी ए बी ब्लड ग्रुप सीरीज है. जो तीसरा पॉइंट है दैट इज नथिंग बट थर्ड एंड सिक्स्थ क्रोमोसोम ऑफ चिंपैंजी एंड ह्यूमन आर देयर क्रोमोसोम बाइंडिंग इज सिमिलर. और एक रीजन भी है, चौथा रीजन भी है, एंड दैट इज नथिंग बट उनका जो चिंपैंजी का जो बेबी का स्कल है वो आइडेंटिकली एकदम सेम टू सेम दिखता है एक एडल्ट ह्यूमन के स्कल से. ठीक है जी, ओके. वाई नॉट ए, किसका वाई नॉट ए? गोरिला मैंने बता तो दिया 99% सिमिलैरिटी है, वही एक चीज जो डिफरेंस है. 99% सिर्फ हीमोग्लोबिन सिमिलर है, वही एक डिफरेंस है जो गोरिला को थोड़ा डिस्टेंट बना देता है. 11th क्वेश्चन हम यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन. विच कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर अप्लाइज टू होमोसेपियंस? लार्ज कनाइन, नो. ऑपोजिबल थंब है आपका, हाँ ऑपोजिबल थंब तो होमोसेपियंस में है, बट ये तो आपके सारे यू नो यू कैन सी इट इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एज वेल. होमोसेपियंस का पूछा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर. चिन एब्सेंट, नहीं, चिन तो प्रेजेंट है बिल्कुल, ये भी गलत हो गया. क्रेनियल कैपेसिटी 1450 cc, यस दिस इज करेक्ट. सो सी वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट. हमारा ऑपोजिबल थंब है, दैट इज ट्रू, बट होमो हैबिलिस का भी ऑपोजिबल थंब है, होमो इरेक्टस का भी ऑपोजिबल थंब है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी ऑपोजिबल थंब है. So that is not the only characteristic features of Homo sapiens, right guys? So 11th ka C would be the answer. Ram Prasad ne sahi jawab diya hai. Moving on to the next question, here we go. 12th question hamare screen pe aa chuka hai. Homo erectus differed from Cro-Magnon man in having. Kis tarah se Homo erectus aapke Cro-Magnon man se alag hai? Matlab ye Homo erectus ki characteristic features ke baare mein baat kar rahe hai. Homo erectus jaw protruding out, टूल मेकिंग, स्लोपिंग जॉज या आर्ट पेंटिंग्स? वॉट वुड बी द राइट आंसर? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए. आर्ट पेंटिंग आपका क्रोमैग्नन मैन शो करता था, स्लोपिंग जॉज भी आपकी क्रोमैग्नन मैन की थी, टूल मेकिंग आपका होमो इरेक्टस ने, नहीं होमो हैबिलिस ने शुरू किया था. सो जॉज आर प्रोट्रूडिंग आउट, जो जॉ होता था वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता था, थोड़ा सा हैवी वेट जॉ होता था. सो दैट वुड बी एन आंसर. सो 12th राइट आंसर वुड बी ए. ठीक है जी, हाँ जी, यस जितेश, 600 cc होगा क्रोमैग्नन मैन का, वही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने आंसर भी तो किया था, सही आंसर ही दिया था. ठीक है, सो यस ताऊ कीर ने सही जवाब दिया है ए का, एंड राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है इसका 12th का ए. वेरी वेरी नाइस गाइस. मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रो कंसल और ड्रायोपिथेकस आपके मायोसीन इपॉक में आया था, एज वी हैव लर्न्ड. प्रो कंसल वॉज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है. जो प्रो कंसल्स थे, वॉट वी हैव लर्न्ड कि प्रो कंसल्स गेव राइज टू, यहाँ पे दे गेव राइज टू ऑल द एप्स. ठीक है, कौन कौन से एप्स? जैसे आपका गोरिला, ठीक है, दे गेव राइज टू गोरिला, दे गेव राइज टू गिबन्स, ठीक है, दे गेव राइज टू योर ओरंगयूटन, ठीक है, ओरंगयूटन, दे गेव राइज टू चिंपैंजीज, ठीक है, चिंपैंजीज, एंड योर प्रो कंसल ऑल्सो गेव राइज टू नथिंग बट ऑस्ट्रालोपिथेकस, दैट इज जो आपकी मैन की लीनियज है, राइट, ऑस्ट्रालोपिथेकस. सो मैन की लीनियज कौन सी होगी? ये वाली होगी, और ये जो आपको इस साइड दिख रहा है दैट इज नथिंग बट योर एप के लीनियजेस, राइट. सो ये एप्स है और ये आपके मैन की लीनियज है. सो दे आर द कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ मैन एज वेल एज एप्स. आपने ताऊ ने सही जवाब दिया है, ताऊ केर ने, एंड नोबडी एल्स हैज आंसर्ड. चंद्रशेखर बच्चे आपका गलत हो गया, एप्स वेर एंसेस्टर ऑफ मैन एनाटॉमिकली, नो नॉट एनाटॉमिकली, इट वॉज एट मोस्ट ऑफ कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें भी हमारी सिमिलर है, जैसे हीमोग्लोबिन सीरीज, आपका ब्लड ग्रुप सीरीज, क्रोमोसोम्स एंड सो ऑन.
14th क्वेश्चन पे हम मूव कर जाएंगे. वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट फॉसिल फाउंड बिलोंग टू. रीसेंट फॉसिल आपको जो मिला है वो किसको बिलोंग करता है? ऑब्वियसली रीसेंट अगर बोला है तो मतलब मॉडर्न मैन से पहले कौन था वही रीसेंट होगा. मॉडर्न मैन कौन है? होमो सेपियंस सेपियंस, ये मॉडर्न मैन है. तो इससे पहले कौन आया था? इससे पहले आया था क्रोमैग्नन मैन, होमो सेपियंस फॉसिलिस. सो ये हो जाएगा आपके सबसे रीसेंट फॉसिल. सो द रीसेंट फॉसिल इज योर क्रोमैग्नन मैन. हम लोग तो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं ना, तो हमारा तो फॉसिल नहीं मिलेगा. ठीक है जी, परफेक्ट. सो द राइट आंसर इज, हाँ जी, 14 का सी. राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है, गौरव मिश्रा ने सही जवाब दिया है. ओके, यस राम, राम प्रसाद, यस डायोप्रिथेकस प्रोकांसल सेम है आपका. लाइक डायोप्रिथेकस एंड योर प्रोकांसल, दे आर बोथ योर कॉमन एंसेस्टर फॉर मैन एंड एप. समटाइम्स दे यूज द वर्ड प्रोकांसल, कभी कभी वो डायोप्रिथेकस यूज करते हैं. मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है. तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना. प्रोकांसल का मतलब ही दे आर मीनिंग डायोप्रिथेकस. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. हियर वी गो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 15th क्वेश्चन. पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर चंद्रशेखर ने सही जवाब दिया है, राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है, एंड हाँ जी, परफेक्ट. 15th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. व्हाट वाज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन? राइट, जावा एप मैन की क्रेनियल कैपेसिटी क्या था? जावा एप मैन इज योर होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं. राइट, होमो इरेक्टस. So what is the cranial capacity? Jaldi jaldi answer kar dijiye. What would be the right answer? We all know it was around 900 cc. Maine iska notes bhi diya hua hai. Aap PDF mein ek baar jaake dekh sakte ho, ya fir you can also watch the video on Neat Voyage channel. Theek hai ji? Okay. Haan ji, it would be 900 cc. Ram Prasad ne sahi jawab diya hai, 15 ka C. Very nice guys. Good job. Theek hai? 500 cc kis mein tha? Ek baar likh deti hu. Ye Australopithecus mein. ठीक है, ये ऑस्ट्रालोपिथेकस में हमने देखा था. राइट, 700 सीसी आपका ऑस्ट्रालोपिथेकस के बाद जो होमो इरेक्टस के कुछ कुछ स्पीशीज में दिखा था. 900 इज द मेन वन. 1450 सीसी तो आपको मॉडर्न मैन में दिख जाता है. हमारा 1450 सीसी है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे. सही आंसर दिया है राम प्रसाद ने, सम्यक ने, एंड ताऊकीर ने, एंड चंद्रशेखर, एंड डी के. 16th क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज पॉसिबल बिकॉज आवर एप लाइक एंसेस्टर ने क्या शो किया था जिसकी वजह से मैन का इवोल्यूशन हुआ था? शोड बाइपेडल लोकोमोशन. यस, एज यू हैव सीन देयर आर मेनी एप्स. जैसे आप अगर गोरिला वगैरह को देखोगे तो वो ओपन लैंड में दो पैरों पे चल सकते हैं थोड़ी देर तक, फिर वो नकल पे वॉक करते हैं. सो सिंस आवर एप लाइक एंसेस्टर कौन था? ड्रायोपिथेकस. राइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. सो दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन टू लेग्स, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो पाया है. ऑल द ह्यूमंस आर नाउ शोइंग बाइपेडल लोकोमोशन. डेवलप्ड कम्युनिटी हंटिंग नहीं. डेवलप्ड कम्युनिटी हंटिंग इसका लाइक सब लोग ही दिखाते थे. यूज्ड फायर, दैट इज नॉट अ प्रॉपर थिंग. चेंज्ड द न्यूट्रिशन, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट द प्रॉपर वन. सो जस्ट बिकॉज दे शोड बाइपेडल लोकोमोशन, तभी आपके एप से ड्रायोपिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस आए हैं. सो द राइट आंसर वुड बी ए. सही आंसर दे दिया है राम प्रसाद ने, चंद्रशेखर ने. राइट, डीके, माई रेगुलर क्लास टाइमिंग्स आर 3 PM एंड 7 PM. 3 PM आई टीच फॉर टारगेट 2021 एंड 7 PM आई टीच फॉर टारगेट 2022. जैसे आज भी आपका 7 PM क्लास है, बट टुडे इज संडे, तो स्पेशल क्लास होता है 7 बजे. एंड 8 PM वुड बी योर 2022 टारगेट का. आज मैं हॉर्मोन्स के इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर हॉर्मोन मैकेनिज्म पढ़ाने वाली हूँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव मंकी विच वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन. प्रिमिटिव मंकी मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बीच में ओल्ड वर्ल्ड इज द क्लोजेस्ट एंसेस्टर. क्यों? क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे. सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर. सबसे पहले दे हैव अ प्रोमिनेंट नोज. ठीक है, उनकी एक प्रोमिनेंट नोज थी. हमारी भी एक प्रोमिनेंट नोज है. करेक्ट, सो फ्लैट नोज तो होगा नहीं. ये न्यू वर्ल्ड मंकी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. करेक्ट, थंब पैरेलल टू फिंगर्स. पैरेलल फिंगर्स तो हमारा नहीं है, वी हैव एन ऑपोजिबल थंब. सो ये आपके टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन मैन नहीं है. इनका एक स्ट्रेट टेल था. दे हैड अ स्ट्रेट शॉर्ट टेल, स्ट्रेट टेल.
ठीक है, और आपके ओ न्यू वर्ल्ड मंकीज का प्रीहेंसाइल टेल था। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब क्या, इस तरह से कॉइल्ड होता है एंड की तरफ, ठीक है। सो 32 टीथ प्रेजेंट था, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी आपको ये चीज न्यू वर्ल्ड मंकी में नहीं मिलेगा, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी दे हैड 32 सेट ऑफ टीथ जस्ट लाइक वी हैव। सो दिस वुड बी द राइट आंसर गाइस। 7 का बी वुड बी द आंसर। लेट्स सी व्हाट वुड बी, किसने सही आंसर दिया है। राम प्रसाद, चंद्रशेखर एंड दिव्यांश ने सही जवाब दिया है। ओके परफेक्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। 18th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बाईपेडल मूवमेंट इज, बाईपेडल मूवमेंट हमने अभी अभी देखा कि बाईपेडल मूवमेंट की वजह से आपका यू नो ह्यूमन इवोल्यूशन प्रॉपरली हो पाया है, दैट वॉज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बट उसकी एडवांटेज क्या है, क्यों चलते हैं बाईपेडल लोकोमोशन में, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ताकि अगर आप दो पैरों से चल रहे हो तो आपका जो दो फोर लिम्ब है वो फ्री है टू कंप्लीट अदर टास्क, राइट। सो फोर आर्म्स बिकमिंग फ्री फॉर कैरिंग आउट अदर इंपॉर्टेंट टास्क, दैट्स वाई आपका बाईपेडल लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो द राइट आंसर वुड बी, लेट्स सी हियर, एंड आई थिंक सही आंसर दिया है चंद्रशेखर ने, राम प्रसाद ने, वेरी नाइस गाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस। 19th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। दिव्यांश ने भी सही जवाब दिया, वेरी नाइस दिव्यांश, चंद्रशेखर एंड राम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉसिल ऑफ मैन हैज क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉडर्न मैन। किसकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट मॉडर्न मैन से इक्वल है। मॉडर्न मैन का कितना है, 1450 cc, हमने अभी पढ़ा था, राइट। तो किसका ऑलमोस्ट कॉमन है, नियंदरथल मैन का कितना होता है, 1400 cc, करेक्ट। होमोहैबिलिस का कितना होता था, होमोहैबिलिस का इट इज अराउंड 700, जावा मैन का अराउंड 900, पेकिंग मैन का अराउंड 950 to 1000 cc। सो हु इज द क्लोजेस्ट वन, सी नियंदरथल मैन। सही आंसर दे दिया है राम प्रसाद ने। बच्चों ए आंसर नहीं होगा, कैसे, होमोहैबिलिस तो सबसे पुराना है, होमोहैबिलिस के बाद इरेक्टस आया, फिर नियंदरथल मैन आया, राइट। सो सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, दिव्यांश ने सही जवाब दिया है, राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है। 20th क्वेश्चन, क्रोमैग्नन मैन वॉज, क्रोमैग्नन मैन क्या थे, वेर दे हर्बीवोर्स, क्या वो कार्निवोर्स थे, फ्रुगीवोर्स थे या ओमनीवोर्स थे। जैसे हम लोग ओमनीवोर्स है, वी हैव इवॉल्व फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन, राइट। मॉडर्न मैन जो है वो किससे आया है, आपके क्रोमैग्नन मैन से आया है। सो दे वी आर ऑल्सो ओमनीवोरस एंड योर क्रोमैग्नन मैन इज ऑल्सो ओमनीवोरस, ठीक है जी, परफेक्ट। सो इट वुड बी डी, नॉट फ्रुगीवोरस। वो फ्रुगीवोरस फ्रूट नहीं खाते थे, वो ऑस्ट्रलोपिथेकस था। फ्रुगीवोरस वॉज योर ऑस्ट्रलोपिथेकस, याद रखिए ये फ्रूट ईटर्स थे, ठीक है, ऑस्ट्रलोपिथेकस। यहाँ लिख देती हूँ ताकि आगे जाके ये गलती ना हो। क्रोमैग्नन मैन ओमनीवोरस था, वो हंट भी करता था, वो रॉ मीट भी खाता था, कुक मीट खाता था ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली कुछ भी लाइक हर्ब्स एंड एवरीथिंग। सो इट वुड बी डी, दिव्यांश हैज आंसर्ड करेक्टली, चंद्रशेखर हैज आंसर्ड करेक्टली, वेरी नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। रेहान, आई डोंट सी यू आंसरिंग एनीथिंग एंड यू आर आस्किंग मी टू मूव नेक्स्ट, राइट। फर्स्ट आंसर एंड देन यू कैन डू योर डिमांड्स। 21st क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। तो एज वी ऑल नो, यहाँ पे मैं एक बार एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ, जो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा। ट्री श्रूज से आपके यूजुअली क्या आए थे, प्रोसीमियंस आए थे, लीमर्स, टार्सियर्स, मैंने ये आपको बना के दिखाया भी था। प्रोसीमियंस से वी हैड नथिंग बट प्रोप्लियोपिथेकस, करेक्ट। प्रोप्लियोपिथेकस से वी गॉट ड्रायोपिथेकस, राइट, ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस गेव राइज टू वॉट, ड्रायोपिथेकस गेव राइज टू योर नथिंग बट रामापिथेकस, रामापिथेकस, देन योर कीनियापिथेकस एंड सो ऑन। सो वी गॉट रामापिथेकस हियर। रामापिथेकस से वी गॉट, नीचे इधर लिख देती हूँ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से वी गॉट होमोहैबिलिस, ठीक है, होमोहैबिलिस। एंड होमोहैबिलिस से वी गॉट होमो इरेक्टस, ओके। एंड होमो इरेक्टस से कौन इवॉल्व हुए थे, सारे के सारे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस नियंदरथालेंसिस, होमोसेपियंस फॉसिलिस एंड होमोसेपियंस सेपियंस।
सो सबसे प्रिमिटिव कौन दिख रहा है इन सब में से आपको? रामा पिथेकस सबसे ज्यादा दिख रहा है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. बी, दिव्यांश हैज आंसर्ड करेक्टली, राम प्रसाद हैज आंसर्ड करेक्टली. वेरी नाइस गाइस, 21 का बी सही जवाब होगा. ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हैं, मतलब साफ है कि आपने थ्योरी क्लास नहीं अटेंड किया था. इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले थ्योरी क्लास देख लो, एक बार पढ़ लो चीजों को, तब ना आंसर आएगा. राइट, ऐसे हम लोग तुक्के मार के कितने दिन तक आगे जा सकते हैं? फाइनल एग्जामिनेशन में, नीट में अगर आपने तुक्के लगाए ना, तो डायरेक्ट -5 हो जाएगा अगर गलत हुआ तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. लेट सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. होमोहैबिलिस, होमोहैबिलिस को हम लोग हैंडीमैन बोलते हैं. क्यों हैंडीमैन बोलते हैं? बिकॉज दे वर टूल यूजर्स, वो टूल यूज करते थे. राइट, टूल मेकिंग कैपेसिटी उनमें थी. सो दे वर टूल मेकर्स, दैट्स व्हाई वी रेफर होमोहैबिलिस एज हैंडीमैन. सो द राइट आंसर वुड बी डी, राम प्रसाद हैज आंसर्ड करेक्टली, 22nd डी. वेरी नाइस गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस, इज इट करेक्ट? बिल्कुल, होमो इरेक्टस से ही आपका क्या आया था, वी गॉट दो तरह के. राइट, वन वॉज नथिंग बट नियंदरथल मैन. ठीक है, नियंदरथल मैन एंड योर क्रोमैग्नन मैन, ये दोनों स्पीशीज आपके आए थे. दोनों स्पीशीज का नाम क्या है? दोनों स्पीशीज का नाम है, दिस इज होमो सेपियंस नियंदरथालेंसिस. करेक्ट, ये होमो सेपियंस का ही एक स्पीशीज है नियंदरथालेंसिस, एंड दिस इज योर होमो सेपियंस फॉसिलिस. करेक्ट, होमो सेपियंस फॉसिलिस, इसी ने मॉडर्न मैन को फिर राइज किया. मॉडर्न मैन, दे हैव इवॉल्व फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन. सो होमो इरेक्टस इज द एंसेस्टर फॉर होमो सेपियंस, यही से तो आपके सारे के सारे होमो सेपियंस आए हैं. सो दैट इज द राइट वन. ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, बिल्कुल नहीं. डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है मॉडर्न मैन का? क्रोमैग्नन मैन. तो यहाँ पे आपको क्रोमैग्नन लिखना होगा. सो द करेक्ट आंसर इज येस, इट वुड बी ए. Fossils of Cro-Magnon man were obtained from Ethiopia? No. Fossils of Neanderthal man were obtained from Africa? Again, no. So the correct answer would be A. 23rd ka A answer de diya hai Divyansh ne and Ram Prasad ne. Moving on to the next question. Let's see what would be the right answer. Character of which is closely related to human evolution is? The character which is closely related to human evolution kaun sa hai? Reduction, binocular vision? No. Reduction in jaw, size of jaw? बिल्कुल नहीं. Flat, sorry, just a second बच्चों, एक मिनट रुक जाओ. Okay. So, reduction in the size of jaw? Yes, that would be the right one. Flat nose? हमारा flat nose नहीं, we have a prominent nose and elongation of tail. We are tailless. Human is tailless. So, reduction in the size of jaw is correct. अगर आप apes को देखो, so apes, they have a prothognathous type of jaw. मैंने आपको पढ़ाया था. Prothognathus would be prothognathus and heavy weight jaw. उनकी जो jaw की weight है वो बहुत ज्यादा है. Correct, and prothognathus मतलब आगे की तरफ निकला होगा. But अगर आप human को देखो तो human में क्या होता है? They have an orthognathous jaw. Orthognathous मतलब पीछे की तरफ है आपका jaw, आगे की तरफ protruded नहीं है, आपके body के साथ वो parallel है. Orthognathous बोलते हैं उसको. मैंने ये आपको पढ़ाया भी था. एंड लाइट वेट जॉ, हमारी जो जॉ की वेट है वो थोड़ा सा लाइट वेट है. सो यस, बी वुड बी द राइट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. राम प्रसाद, सुरेंद्र एंड दिव्यांश हैज आंसर्ड करेक्टली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है. लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन पूछा है. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? Pecking man gave rise to Homo sapiens. Homo sapiens ने Neanderthal man and फिर Cro-Magnon man? नहीं, ये तो गलत हो गया. Neanderthal man gave rise to Pecking man? बिल्कुल नहीं. Pecking man से Neanderthal man आया है. Pecking man कौन है? Homo erectus pecinensis, मतलब erectus की बात कर रहे हैं हम. Pecking man gave rise to Heidelberg man? बिल्कुल सही. Heidelberg man gave rise to Neanderthal man. Neanderthal से आपकी Cro-Magnon man. So this looks good. This looks the correct one. So C would be the right answer. 25th would be your 6C would be the right answer. बच्चों गलत आंसर दिया है आपने. Heidelberg से ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे होगा? Heidelberg man कौन है आपका? Heidelberg man is Homo erectus.
होमो इरेक्टस से ऑस्ट्रलोपिथेकस कैसे आएगा? ऑस्ट्रलोपिथेकस तो एप मैन है। ऑस्ट्रलोपिथेकस से आपका होमो हैबिलिस आया है, राइट? होमो हैबिलिस, एंड होमो हैबिलिस से आपका होमो इरेक्टस आया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही फ्लो चार्ट बना के दिखाया था। सो दिस, ये चीज ही गलत हो गया, ये सीक्वेंस या ऑर्डर ही गलत हो गया। सो सी वुड बी द राइट आंसर बच्चों, सी इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी सी नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। हम लोग पहुंचने वाले हैं 30th क्वेश्चन तक। अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स विच आर डिस्कवर्ड टिल डेथ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड फ्रॉम, राइट? कहां से आपका सबसे ज्यादा यू नो फॉसिल्स मिला है? ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, द हब ऑफ द जो लैंड है जहां सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिला है, पैलियंटोलॉजी का स्टडी सबसे बेटर हम कहां कर सकते हैं? अफ्रीका में, राइट? ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। सो इट इज गोइंग टू बी अफ्रीका, नॉट ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। मीन कम ऑन, हम लोग इतने थोड़ी देर पहले अपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है? टिल डेट सबसे ज्यादा डिस्कवरी ऑफ फॉसिल कहां हुई है, राइट? एंड ओरिजिन आपकी इवोल्यूशन ऑफ मैन कहां से शुरू हुआ है? और अफ्रीका से, करेक्ट? इवोल्यूशन ऑफ मैन हम कहां से देखते हैं? ऑस्ट्रलोपिथेकस से। सो ऑस्ट्रलोपिथेकस अफ्रीकैनस है ना, ऑस्ट्रलोपिथेकस अफ्रीकैनस, दैट इज योर ट्वैंग बेबी, अफ्रीकैनस। इसीलिए तो इसका नाम अफ्रीकैनस है, क्योंकि ये ट्वैंग रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका में मिला था। दैट्स वाई द स्कल ऑफ दैट बेबी इज कॉल्ड एज ट्वैंग बेबी, ठीक है? ट्वैंग इज अ रीजन इन साउथ अफ्रीका, ठीक है जी? हाँ जी, सी वुड बी द राइट आंसर। 27th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। द ओनली एप फाउंड इन इंडिया इज, मैंने आपको बोला था इन सब में से एक ही है जो इंडिया में असम के जंगलों में मिलता है, ये एप, ठीक है? असम के जंगलों में। वॉट इज दैट? योर गिबन। गिबन इज नेटिव टू इंडिया, ठीक है? बाकी गोरिला, चिंपैंसी, ओरैंगुटन आपको जूज में दिखते होंगे, जू में, बट वो नेटिव नहीं है हमारे कंट्री का, ठीक है? उसको बाहर से लाया गया है। नेटिव इज गिबन, गिबन जो असम के जंगलों में मिलता है, राइट? ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी पता था। सी वुड बी द राइट आंसर, और सही जवाब दिया है दिव्यांश ने एंड राम प्रसाद ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। द बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम 3 and 6, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही चीज बताया था, ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंसी शोज दैट दे हैड व्हाट, क्या शो करता है वो? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कॉमन ओरिजिन, यस, सेम ब्लड ग्रुप, क्रोमोसोम से ब्लड ग्रुप का तो इसमें अभी लेना देना नहीं है, तो गलत हो गया। डिफरेंट ओरिजिन भी नहीं है, सेम ओरिजिन है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन में कितने होते हैं? 46। चिंपैंसीज या एप्स में कितने होते हैं? 48 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कॉमन ओरिजिन, राइट? जो बैंडिंग पैटर्न सेम है 3rd और 6th के बीच में, दैट वुड बी ए। राम प्रसाद हैज आंसर्ड करेक्टली, राम प्रसाद ने ए बोला है, बिल्कुल सही बोला है आपने। 29th क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमो इरेक्टस, इरेक्टस। अभी मैंने सेम आपको सारे साइंटिफिक नेम्स लिख के दिए थे। होमो इरेक्टस, इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर जावा मैन, ठीक है? जावा मैन। पेकिंग मैन का क्या है? होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, राइट? इट वुड बी योर पेकिनेंसिस। और नियंदरथल मैन तो आपका होमो सेपियंस में आ गया, ये होमो सेपियंस नियंदरथलेंसिस है, होमो सेपियंस नियंदरथलेंसिस, ठीक है जी? नियंदरथलेंसिस। सो राइट आंसर किसने दिया है? लेट्स सी हियर, सी वुड बी द राइट आंसर 29 का, राम प्रसाद हैज आंसर्ड करेक्टली। क्रोमैग्नन मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस फॉसिलिस, ठीक है जी? ये आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 30th क्वेश्चन। क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन वॉज, मॉडर्न मैन का सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन है? क्रोमैग्नन मैन है ना। मॉडर्न मैन कौन है? होमो सेपियंस, सेपियंस वो किससे आया है? क्रोमैग्नन मतलब होमो सेपियंस फॉसिलिस से। सो क्रोमैग्नन मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? अभी मैंने आपको बताया होमो सेपियंस फॉसिलिस। सो सी वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट? लेट्स सी, जल्दी जल्दी आंसर देना है। राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड बच्चे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो 30th क्वेश्चन था, बट हमारे पास 5 बोनस क्वेश्चन भी है, ये 5 बोनस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। अमंग द ह्यूमन एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 1000 cc, इन 1000 cc से ज्यादा किसमें था? नियंदरथलेंसिस में कितना था? 1400 cc, करेक्ट? रामापिथेकस में बहुत ही कम।
जावा मिन में कितना है 900, होमो हैबिलिस में कितना है 700, रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस में ऑलमोस्ट 400 सीसी समथिंग होता था, राइट, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 400 सीसी. सो मोर देन 1000 सीसी इसमें दिख रहा है आपको होमो नियंडरथैलेंसिस में. सो ए वुड बी द राइट आंसर. कौशल श्रेया हैज आंसर्ड करेक्टली एंड राम प्रसाद 31st का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन हमारा बोनस क्वेश्चन चल रहा है अभी यहाँ पे. द मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन, क्या है सबसे एपरेंट चेंज क्या है इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस. ये क्वेश्चन बच्चों आपके नीट में पूछा जा चुका है 2017 में. क्या हुआ है आपके इवोल्यूशन ऑफ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में आपने क्या देखा है कि धीरे धीरे आपकी रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज, राइट. जैसे आपको होमो हैबिलिस में कितना दिखा था ब्रेन क्रैनियल कैपेसिटी वाज समवॉट अराउंड 700 सीसी, होमो इरेक्टस में आपको कितना दिखा था, होमो इरेक्टस में इट वाज अराउंड 900 सीसी, और होमो सेपियंस में आपको कितना दिखा, उन्हीं के बारे में पूछा है, होमो सेपियंस के बारे में पूछा है, इट इज अराउंड आपकी 1400 सीसी टू 1650 सीसी तक है, मतलब इंक्रीज हुआ है. देयर इज अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द ब्रेन साइज. सो 3 वुड बी द राइट आंसर. सुरेंद्र दहिया राम प्रसाद ने सही जवाब दिया है एंड सुरेंद्र ने, वेरी नाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन है हमारा. द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1,00,000 to 40,000 ईयर्स अगो, लाइक इट वुड बी 4,00,000 ईयर्स अगो इन यूरोप विथ शॉर्ट स्टेचर, हैवी आईब्रोज, लार्ज जॉस एंड स्टूप्ड पोस्चर. मैंने आपको इसके पिक्चर भी दिखाए थे. इट वॉज एक्चुअली नथिंग बट योर नियंडरथल मैन, जो आपके यूरोप में उनकी ज्यादातर फॉसिल उनकी मिली थी, नियंडरथल मैन की मिली थी. ये अफ्रीका में नहीं मिली थी नियंडरथल मैन की, ठीक है. सो दे वर फाउंड इन यूरोप, ठीक है. शॉर्ट स्टेचर था उनका, हाइट कम था, हैवी आईब्रोज था, उनके आईब्रोज प्रोट्रूडिंग थे, जॉ साइज वॉज मोर. क्रोमैग्नन मैन और होमो सेपियंस में जॉ साइज धीरे धीरे कम हो जाता है एंड स्टूप्ड पोस्चर, ठीक है. सो दैट वुड बी नथिंग बट यू नियंडरथल मैन. 4th वुड बी द राइट आंसर फॉर 33rd, ठीक है. जैसे ही आपको यूरोप दिख जाएगा और ये सारी चीजें जो मैंने अंडरलाइन की है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जैसे ही आप पढ़ोगे, समझ लेना वो नियंडरथल मैन की बात कर रहे हैं, करेक्ट. 34th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सदर्न एप, इनमें से किसको हम सदर्न एप बोलते हैं, राइट. सदर्न एप इज नथिंग बट योर ऑस्ट्रेलोपिथेकस. देखो ऑस्ट्रेलो है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में मिला था, ये अफ्रीका में मिला था, ठीक है. मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन अफ्रीका रीजन, ठीक है. सो ये आपके सदर्न एप में आते हैं बिकॉज दे वर फाउंड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में मिले थे, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सदर्न एप. ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम लोग इसीलिए एप मैन भी बोलते हैं, करेक्ट जी. सो द राइट आंसर वुड बी 3. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट बोनस क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्वैंग बेबी, ट्वैंग बेबी कौन सा है इसमें से, इट वुड बी TUANG, ट्वैंग, ओके. ट्वैंग बेबी इनमें से कौन सा है, मैंने आपको बताया था ट्वैंग बेबी का पूरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ठीक है, अफ्रीकैनस. This is the scientific name. So obviously they belong to Australopithecus genus. So A would be the right answer for the 35th question. ठीक है, ये हमारे आज के सारे most expected questions थे. If you want, I will give you, obviously मैं आपको PDF provide कर दूंगी इसका. You can keep these questions और आप इस question को दोबारा practice कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों ने गलत answer दिया था आज. मतलब साफ साफ theory clear नहीं है, आप theory एक बार फिर से पढ़ लें. You can also watch the video. ठीक है, इसका वीडियो, ह्यूमन इवोल्यूशन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है गाइस. एंड एज यू ऑल नो, आपका UCL था आज, अनकैडमी चैंपियंस लीग, आई थिंक आज 1 to 2 PM तक ये चला था, राइट. ग्रुप स्टेज का एग्जामिनेशन है, एज यू ऑल नो, यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस. और बच्चों 25th of October वुड बी योर फाइनल UCL एग्जामिनेशन. तो जो सबसे पहला रैंक लाएगा उसको 50,000 rupees वर्थ अमेजन वाउचर मिलेगा. राम प्रसाद, प्रोमिनेंट नोज इज नथिंग बट, देखो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है क्योंकि मैंने थेरी क्लास में ये बताया था. अगर आप कैपुचिन मंकीज को जानते हो, कैपुचिन मंकीज जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है, उनकी जो नोस्ट्रल्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है. सो यू कैन एक्चुअली सी द नोस्ट्रल, उनके नोज प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ठीक है. सो दे हैव, ये सपोज उनका फेस है, सो दे हैव जस्ट टू नोस्ट्रल,
दैट इज विजिबल अपवर्ड. बट अगर आप ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को देखोगे सो दे हैव अ प्रोमिनेंट नोज विद नोस्ट्रिल. ठीक है, ये प्रोमिनेंट नोज आपका प्रोमिनेंट नोज है, मतलब फेस में दिख रहा है अलग से एक नोज. प्रोमिनेंट इंग्लिश वर्ड है, आई होप यू ऑल नो दिस. प्रोमिनेंट मीन्स विच इज विजिबल प्रॉपरली. ठीक है, फेस से हटके है, फेस से मिला हुआ नहीं है. ठीक है जी, ओके राम प्रसाद, आई गेस आई जस्ट एक्सप्लेन यू प्रोमिनेंट नोज. नाउ गाइस, एज यू ऑल नो, आई ऑल्सो टेक क्लास ऑन प्लस प्लेटफॉर्म एंड प्लस कोर्स. मेरा एक और कैप्सूल कोर्स शुरू हो चुका है जो 15th अक्टूबर से शुरू हुआ है, 29th अक्टूबर तक चलेगा. ठीक है जी, तो अभी मैं आपसे 6 बजे मिलने वाली हूँ. ठीक है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का आज आपका डाउट सेशन प्लस MCQ है. तो ये पूरा जितना भी हमने कल तक पढ़ा है, हर 3 क्लास के बाद डाउट सेशन होता है, राइट? सो आज आपका वो डाउट सेशन MCQ है. सो इफ यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. एंड अगेन आई विल सी यू एट अराउंड 7 PM. मैं फिर से मिलूंगी फॉर A to Z सीरीज एंड देन आई विल सी यू गाइज एट अराउंड 8 PM अगेन 7 PM के बाद. That would be for your target 2022 वाला जो lesson हमारा चल रहा था, chemical control and coordination, right? Sorry, chemical coordination and integration. उस chapter का intra and extracellular hormones की जो action है वो मैं explain करने वाली हूँ. So you can definitely join for the 6 PM class if you have plus subscription, and 7 PM and 8 PM तो NEET Voyage channel पे, and that is free of cost. So you can definitely join for that. एंड फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको करना क्या, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप. ठीक है जी, हेलो प्रिया, द क्लास हैज जस्ट एंडेड बट इट्स ओके, यू कैन रिवाइंड एंड वॉच इट. ठीक है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप देख सकते हो और PDF भी आपको मिल जाएगा. सो गाइज, यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नीट UG एंड देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. अगर आप सपोज 12th में हो या फिर आपने एक साल ड्रॉप किया हुआ है एंड यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर नीट 2021, सो आपके पास ये 12 month वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया होगा. यू हैव टू पे जस्ट 27,000 फॉर एन एंटायर ईयर. ये मंथली नहीं है, पूरे साल में आपको सिर्फ इतना ही देना है. और अगर आप 11th में हो और आपका एम है कि आप टारगेट 2022 में नीट के लिए अपियर करोगे, यू कैन गो फॉर द 2 years प्लान. दैट वुड बी अराउंड 32,400. ठीक है जी, यस राम प्रसाद, यू विल गेट द PDF. इट टेक्स टाइम फॉर द PDF टू बी अपलोडेड बाई द टीम. मैं अभी तो प्रोवाइड कर दूंगी बट उसको फिर अपलोड करने में टाइम लगता है, बट यू विल गेट इट विद इन 24 hours, आपको वो मिल जाता है. ठीक है जी, इट इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड. नाउ एज आई वॉज सेइंग अबाउट 1 year एंड 2 year प्लान, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको सिर्फ प्लस का ही वीडियो देखना है. नहीं, आप स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो अटेंड टेस्ट सीरीज, यू कैन ऑल्सो अटेंड लाइक पूरे ऐप में जितने भी आपके क्लासेस चल रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हो या प्लस वाले हो, आप सब कुछ देख सकते हो. आप किसी भी एजुकेटर्स के वीडियोस देख सकते हो. आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, राइट? इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म एंड देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. सो यू कैन यू नो चूज एनी एजुकेटर. आप किसी एक टॉपिक को अलग अलग एजुकेटर से भी पढ़ सकते हो. एंड द वीडियोस आर ऑल रिकॉर्डेड. अगर आपने लाइव क्लास मिस भी कर दिया है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो. एंड इफ यू नीड 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द प्लान दैट यू आर टेकिंग, यू कैन जस्ट अप्लाई दिस कोड, दैट इज माई नेम SWAGATA. इट्स अ वेरी सिंपल नेम, स्वागता. यू कैन जस्ट अप्लाई द कोड एंड यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द प्लान दैट यू आर टेकिंग. एंड प्लीज रिमेंबर दैट 24th of October से आपका प्राइस हाइक इफेक्टिव होने वाला है. ये इंक्रीज हो जाएगा प्राइजेस जो मैंने अभी बताया. तो बहुत सस्ते से प्लान से अभी आप जल्दी से अपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. एंड जो भी रेफरल कोड, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, माई नेम SWAGATA, स्वागता. ठीक है गाइज, सो हेलो नेहा, द क्लास हैज ऑलमोस्ट एंडेड. ठीक है, बट यू कैन वॉच रिवाइंड करके देख सकते हो. गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप जा सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि अगर आपने बाई परचेस किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 40,500 सपोज आपने पे किया है, तो आपको 1 year का पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में. ठीक है, लेकिन वहां तो 27,000 बोल रही थी, यहाँ 40,000 मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो. तो सिर्फ प्लस एक साल तो मिल रहा है, उसके अलावा पर्सनल कोचिंग भी मिल जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आ रही है पूरे मतलब क्लास में, एंड यू नीड पर्सनल कोचिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एजुकेटर, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो दैट मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, मुझे प्लीज अच्छे से समझाइए, उसके क्वेश्चन कराइए. सो यू कैन
अप्रोचेस, ठीक है, नीट यूजी वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हो, स्टडी प्लानर एंड टेस्ट एनालिसिस, ठीक है. यस आदर्श, ओनली कॉकरोच ही सिलेबस में है एनिमल टाइप स्टडी में, अर्थवर्म नहीं है, फ्रॉग नहीं है, सिर्फ कॉकरोच है, ठीक है. एंड दिस इज फॉर योर वन ईयर. अगर आपको टू ईयर्स का चाहिए तो दो साल का प्लस सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री होगा विथ पर्सनल कोचिंग, नीट यूजी वर्कशॉप, स्टडी प्लानर एंड टेस्ट एनालिसिस. और जो कोड आपको अप्लाई करना है टू गेट 10% डिस्काउंट, दैट वुड बी माई नेम SWHEATA, स्वागता. प्लीज इस कोड को अप्लाई कीजिए ताकि आपको यू नो 10% डिस्काउंट मिल जाए. बच्चों, नीट वॉयज के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो मतलब आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, ठीक है, हर एक क्लासेस की कि क्या टॉपिक हो रहा है, कितने बजे पढ़ाया जा रहा है, कौन सा एजुकेटर आ रहा है, ठीक है. सो आपको एक पहले से पता चलता रहेगा. हम यूजुअली हमेशा टेलीग्राम ऐप में जो भी क्लासेस है, चाहे वो ऐप में हो, आपके अनकैडमी ऐप में हो, चाहे नीट वॉयज चैनल पे हो, वो हम डालते रहते हैं. सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस. सो इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी. ध्यान रखिए, पीडीएफ कभी कभी थोड़ा यू नो एक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मिल जाएगा आपको विद इन 24 आवर्स, आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है जी. यस अजय, आई डू टेक क्लासेस ऑन प्लस एज वेल. मैंने अभी बोला, अभी 6 PM को मेरा वहीं पे क्लास है, ठीक है. सो ऑल ऑफ यू टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप 30 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किया, इनफैक्ट 35 क्वेश्चन डिस्कस किया, बोनस क्वेश्चंस भी थे, आप उसका पीडीएफ अपलोड कर लीजिएगा. कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में वो पूछ सकते हैं. डाउट सेशन आपके अनकेडमी ऐप में होता है. सो आई विल सी यू ऑल एट अराउंड 6 PM. 6 PM को मेरा प्लस कोर्स है. अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है, यू कैन कम एंड वॉच, ठीक है. नीट वॉयज चैनल पर मैं आपसे 7 PM को मिलूंगी. फिर मैं 8 बजे भी आपसे मिलने वाली हूँ, ठीक है. सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई सी यू ऑल अगेन एट 7 PM एंड 6 PM एंड 8 PM. बाय गाइस, थैंक यू.